तो ये वाला जो बाटा का शॉप है ना, ये सिचुएटेड है डोंबिवली के पलावा मॉल में, जो कि है एक्सपीरिया मॉल। और इसका डिटेल एड्रेस जो है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ध्यान से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो नया कलेक्शन है ना, वो आया है यहाँ पे। यहाँ पे बाटा ने अपना जो कलेक्शन है टोटली अपग्रेड किया है। पहले जैसे ओल्ड स्कूल टाइप बिल्कुल बाटा नहीं रहा है, अभी आप न्यू कलेक्शन देख सकते हैं, नए नए स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे आई हुई है। ये थोड़ा सा इनका ना प्रीमियम कलेक्शन है, तो 1500 रुपीज़ से लेके 1800 रुपीज़ तक जो पहले दिखाया है मैंने उसकी रेंज है। और ये थोड़ा जो है मीडियम रेंज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 499 रुपीज़ का है ये वाला। तो नेक्स्ट ये वाला जो गोल्ड का है ना, बहुत ही मुझे पसंद आया इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ना सेल का ऑफर भी लगा हुआ है, 25% का कुछ ऑफ लगा हुआ था यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे विजिट किया। पर ये जो ऑफर्स थे ना, ये लगते ही रहते हैं, मतलब हमेशा से ही लगते रहते हैं दो दो मंथ्स के गैप में। तो ये वाला जो है ना, ये किड्स का सेक्शन है, थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है ना, ये बहुत ही अच्छे सोल और डिफरेंट सोल का ये मटेरियल का ये एक चप्पल टाइप का सैंडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो सोल है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके नीचे जो ग्रिप है अच्छी है, हील भी इसकी डिसेंट साइज़ की है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मैंने इसको वेयर करके देखा। तो खास करके इसका अगर सोल आपको चाहिए रहेगा ना, सॉफ्ट एकदम कॉटनी सॉफ्ट सोल है, तो ये वाली रेंज आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बाटा की। नेक्स्ट जो मैंने आपको गोल्ड वाला बताया था, वो है ये वाला। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली पेस्टल कलर्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कितना क्वर्की डिज़ाइन है वो वाला। नेक्स्ट यहाँ पे टैन भी आपको मिल जाएंगे चप्पल्स, तो ये टैन है कलर। ये आप देख सकते हैं कुछ अलग टाइप का बैंड का डिज़ाइन है। तो बाटा की ये खासियत मुझे काफ़ी पसंद आती है कि इनके जो शूज़ है ना, शूज़ सैंडल या फिर चप्पल जो भी आप अगर लेंगे ना, इसकी क्वालिटी जो है होती है ना, वो टॉप नॉच होती है गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक बार अगर हम ले लेंगे ना, तो 2-3 साल जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती इसके तरफ ध्यान देने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये लोग जो है स्टफ़ बनाते हैं। आपको यहाँ पे वीडियो में ही दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। हाँ ज़रूर, इन्होंने प्राइजेस जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ा लिए है, तो ये एक पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, पर बाकी आप क्वालिटी देखें ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पर मैंने जो कवर किया है, ट्राई किया है कवर करने के लिए सारी की सारी स्टोर की डिज़ाइंस जो थी वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ न्यू अराइवल की डिज़ाइंस है। यहाँ पे ना सरप्राइजिंगली एक बैग का सेक्शन भी है, तो बैग का सेक्शन भी आप चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो बैग्स है ना, ये ओन जो है वो बाटा के नहीं है, ये दूसरे दूसरे ब्रांड्स के बैग्स हैं, पर आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बैग्स के भी अगेन प्रीमियम जो है वो वैरायटी के है।
तो ये वाले भी मुझे काफी पसंद आए सैंडल्स। आप देख सकते हो ग्लॉसी इसका फिनिशिंग है। और आप हील भी देख सकते हो कितना अच्छा डिसेंट साइज के हील है, बहुत ज्यादा हील भी नहीं है इसके अंदर। ये वाली भी सैंडल बेसिक सी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, वाइट सोल में मिल जाता है ये। खास करके डेनिम्स अगर आप वेस्टर्न लुक कैरी करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। तो ये 999 रुपीज़ का है, पर अगर आप 25% के टाइम पे अगर विजिट करते हैं ना, तो आपको आराम से 750 या 700 रुपीज़ में मिल जाएगा ये। तो ये भी अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका सोल बहुत डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा ग्रिप है इसके सोल में। तो कुर्तीज़ के ऊपर ये वाला डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे हील्स का सेक्शन जो है वो चेकआउट कर रही थी मैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन है, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये बाटा का इन हाउस प्रोडक्शन है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज ये वाला जो डिज़ाइन है वो। हील आप देखिएगा कितना अच्छा है ये हील, और इसका डिज़ाइन इस पे कुछ है ना एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट ये कुछ हील्स थी दूसरी वाली, तो आप देख सकते हो तो हील्स का कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके इसके जो कलर्स है वो, और जो मैंने हाथ लगा के जो इसको ट्राई किया ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल के, मतलब स्टर्डी थे बहुत ही ज़्यादा ये इनके जो सारे भी सैंडल्स है, शूज़ है, सब के सब। तो पूरे स्टोर में से ना ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन्स अवेलेबल है। तो ये डिज़ाइन काफ़ी प्रिटी है गाइज, आप देख सकते हैं इसमें स्टोन वर्क किया गया है, और ये गोल्ड और ब्लैक में अवेलेबल है। तो दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं पार्टी वेयर के लिए, स्पेशली मुझे गोल्ड वाला काफ़ी पसंद आया दोनों में से। तो ये वाला जो सेक्शन था ना, ये पार्टी वेयर्स का था। अब जो फ्रंट सेक्शन है जो स्टोर को एंटर करते हुए है, ये जो डेली वेयर्स के हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये इनका जो है ना, ये कंफर्ट का जो अपना कंफर्ट रहता है डेली वेयर का, तो वो वाला एडिशन है। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब टीनेजर्स से लेके लेडीज़ के लिए सब कुछ। ये वाला जो है ना खासकर अफोर्डेबल वाला सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ से इनके जो शूज़ है ना वो स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गाइज ये वाले जो शूज़ है, मेरे पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ इनका कॉस्ट है। और अब कलर देखिए कितना ही अच्छा कलर है इसका। तो नेक्स्ट ये और कुछ सैंडल्स के डिज़ाइन थे यहाँ पे। तो ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया, खास करके इसका डिज़ाइन और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। मैंने वेयर करके भी देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। इन्होंने कलर्स तो बहुत ही अच्छे कमाल के यहाँ पे इस बार निकाले हुए हैं, लाइक ग्रे, पेस्टल, टैन, रेड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया कलर में। ये जो है डेनिम एडिशन का था, और यहाँ पे जो है ना वॉलेट्स भी अवेलेबल थे। तो नेक्स्ट ये कुछ स्लीपर्स थे, तो डेली वेयर के स्लीपर्स है, बाथरूम स्लीपर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
इस वीडियो में ना सारा का सारा मैंने लेडीज का सेक्शन कवर किया है, पर मेंस का भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो उम्मीद करती हूँ गाइज ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।